राधे राधे। गाइस तो मैं आपको चेतन नेशन एक बार फिर आज हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। गाइस आज कितना शुभ दिन है मेरे लिए। सुबह सुबह ब्रज की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, तो अभी हम आ चुके थे, ऐसा हम कल देखा होगा बिल्कुल ब्लॉग में, हम आ चुके थे गिरिराज जी। तो मैं हूँ, शुभम है, पंकज है और सचिन है। पंकज सचिन थोड़े आगे निकल चुके हैं, हम और शुभम चल रहे हैं पीछे पीछे। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज दिखाएंगे आपको पूरी परिक्रमा गिरिराज जी की। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से दान घाटी से, दान घाटी से शुरू कर रहे हैं परिक्रमा। तो पूरा आपको पहले दान घाटी के दर्शन कराते हैं, फिर चलते हैं सीधे परिक्रमा की। ओ तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, आज का ब्लॉग पूरा एंड तक रहेंगे गाइस, आपको फुल परिक्रमा का फल प्राप्त होगा, आपको पूरी पूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होगा आपको अगर आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तो। ठीक है, राधे राधे। गाइस अभी हम आ चुके हैं गिरिराज जी मंदिर, जिसे धान घाटी के नाम से जाना जाता है। तो अभी जाते हैं इसके अंदर, तो गाइस बने रहिए, देखते हैं कैसा क्या हो रहा है अंदर, चलते हैं अंदर की तरफ। आ गए अंदर, अंदर हमने कर लिए दर्शन। पीछे है गिरिराज जी महाराज का मंदिर, पूथा धान घाटी मंदिर, वहाँ पर चलते हैं परिक्रमा की ओर। मंदिर के बाहर बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। राधे राधे गाइस। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं परिक्रमा। आप देखिए यहाँ से मेरी परिक्रमा शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, बड़ी परिक्रमा सारा। यहाँ पर दो परिक्रमा है, एक चार कोस की परिक्रमा है, ये तीन एक तीन कोस की परिक्रमा है, एक छोटी परिक्रमा, एक बड़ी परिक्रमा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी परिक्रमा। जो भी लोग दंड ऐसे लेट के लगाते हैं तो दंड बड़ी परिक्रमा बोलते हैं, और उन्होंने लगाए चल के शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। तो बोलते हैं राधे राधे। चलिए गाइस शुरू करते हैं परिक्रमा, बोलो राधे 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 राधे।
राधे राधे राधे। तो गाइस आपको एक बात बतानी थी कि यहाँ पर मतलब दो नगर निगम में आता है तो यहाँ पर दो मार्ग बनाए गए हैं, एक रोड से एक जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ पर, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर नगर निगम द्वारा दो पेड़ दिए गए हैं, तो एक ये रोड है, एक ये रोड है, एक ये है। तो ज़्यादातर लोग इस रोड पर चल रहे हैं क्योंकि ये अभी थोड़ा ठंडा है, काफ़ी ठंड भी हो रही है गाइस, ये बहुत ठंडा है, इसलिए लोग चल रहे हैं। देखिए कितने श्रद्धालु जो आगे आ रहे हैं, कितने श्रद्धालु लोग पीछे आ रहे हैं, बहुत सब अपने जाप करते हुए चलते जा रहे हैं। अगर आप पूर्ण प्राप्त करने जाते हैं, फल परिक्रमा का प्राप्त करने जाते हैं, तो अपने मन में बंसी वाले का नाम लेते हुए दिल से हमारे साथ में परिक्रमा लगाइए, बोलिए राधे राधे। कितने लोग श्रद्धालु लोग चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। पीछे भी चल रहे हैं मेरे, आगे भी चल रहे हैं काफ़ी लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के अभी साढ़े सात बज चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी भीड़ भी है। मैं थोड़ा चल के देखता हूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पर, ठंड भी लग रही है बहुत सारी हाथों में भी और पैरों में भी, तो ये मज़ा आ रहा है। तो बहुत बढ़िया गाइस, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। राधे 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 राधे। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग 3 किलोमीटर परिक्रमा में। तो ये गांव परिक्रमा का पहला गांव है अनियोर, यहाँ पे बहुत सारे फल भी मिल रहे हैं, काफ़ी लोग श्रद्धालु चल रहे हैं। ये लिखा हुआ है सामने मेरे कि अभी 7 किलोमीटर बची हुई है। चलो चाय पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। कहाँ से हैं आप लोग भैया जी? जिला संभल से परिक्रमा लगाने आए हैं सब यहाँ पे श्रद्धालु, साथ में बोलेंगे राधे राधे। अभी हम आ चुके हैं 5 किलोमीटर में, तो यहाँ पर बीच बीच में राजस्थान भी लग जाता है। तो देखिए राजस्थान का मतलब जो गेट लग चुका है, यहाँ से राजस्थान शुरू है, ये रोड अलग है और ये रोड अलग है। देखिए गाइस यहाँ से राजस्थान शुरू हो चुका है यहाँ पर। यहाँ देखो ठंडों में भी गन्ने मिल रहे हैं, गन्ने का जूस सामने मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। अगर आप भी आएँ तो दिल में बंसी वाले का नाम लेकर के परिक्रमा शुरू कर दें। तो आप गाइस तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से राजस्थान शुरू हो चुका है, ये बढ़िया चिकना रोड आ चुका है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है बहुत। तो गाइस बोलते रहिए राधे 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 राधे। हाँ तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पूंछ रही के लोटा के पास, तो यहाँ के चलिए आपको लेकर आते हैं यहाँ के दर्शन, चलिए गाइस राधे राधे। सुबह के बज चुके हैं 9, अभी हम आ चुके हैं जतिपुरा, जहाँ कहते हैं मुखारबिंद, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था। तो गाइस एक कहावत है मथुरा की कि जहाँ पत्थर फेंकोगे वहाँ आपको मंदिर मिलेगा। तो जहाँ हर 50 मीटर 10 मीटर 20 मीटर में यहाँ पे हाँ मंदिर मिल जाएगा। तो ये भारत का सब ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर है, सबसे ज़्यादा पानी आने वाले मंदिर यहाँ मिलेंगे आपको, भारत से सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ मिलेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में। तो हर जगह मंदिर मंदिर अच्छी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, आप देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं, प्राचीन मंदिर हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर वातावरण है, साफ सफाई अच्छी रहती है। यहाँ पर आप रास्ते में आएंगे तो श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर फ्री पानी पीने की व्यवस्था, चाय पीने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आपको मिलती रहेगी, बहुत अच्छा। मतलब आज ऐसे पूर्णिमा है, हम पूर्णिमा दिन परिक्रमा लगा रहे हैं, आप कभी भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, आप कभी भी परिक्रमा लगती है, लेकिन पूर्णिमा को सिद्ध फूल प्राप्त होता है
ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग पूर्णिमा के दिन परिक्रमा लगाने आए थे, तो भाई सही परिक्रमा लगाए थे और जदीपुरा मुकुर बिंद की तरफ। राधे राधे। महाराज जी से मिल चुके हैं, तो महाराज जी बताएंगे यहाँ की महिमा कि कैसा भगवान ने कैसा यहाँ पर कुछ किया था। तो महाराज जी आपको पूरा वर्णन बताएंगे कैसा कैसा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को 7 दिन और 7 रात धारण किया है कन्यामुनि के नगर में। इंद्र ने बरसात के लिए 7 दिन ब्रज को बांधने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए इस पर्वत को धारण किया था भगवान श्री कृष्ण। और भगवान का मुख है, भगवान ने स्वयं यहाँ पर पूजन कराया है। एक रूप के पूजो और एक रूप के पुजारो, मुखारविंद भगवान का ही है। मुखारविंद जतिपुरा, आप देख पा रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पर मुखारविंद है। राधे 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 राधे। आपको दिखाते हैं अंदर पूरा मुखारविंद। चलिए गाइस, तो गाइस जैसा आप देख पा रहे होंगे यही है पर्वत जो श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगलियों पर उठाया था। तो वहाँ ऊपर मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी काफ़ी बंदर हैं, काफ़ी जानवर हैं, काफ़ी चिड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, आनंद भी लग रहा है, इतनी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही है। गाइस अगर आप भी परिक्रमा लगाने आएंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा परिक्रमा लगाने में। तो जगह जैसे जल की व्यवस्था है यहाँ पर, हर जगह व्यवस्था की गई है। काफ़ी श्रद्धालु मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, यहाँ काफ़ी लोग ताप रहे हैं। देखिए गाइस बहुत आनंद आ रहा है। चलिए गाइस चलते हैं परिक्रमा को शुरू करते हैं आगे की तरफ। राधे राधे। गाइस मैंने अभी पता किया कि लोग यहाँ कहते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ये पर्वत नीचे की तरफ धस रहा है। ये पहले काफ़ी विशाल पर्वत था ऊपर की ओर, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आ रहा है यहाँ पर ये पर्वत धसता जा रहा है। महिमा है, बहुत सुंदर महिमा। तो चलते हैं आगे की तरफ। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। तो गाइस यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, आगे थोड़ी परिक्रमा स्टार्ट है। बोलिए राधे राधे। आगे की तरफ तो गाइस बोलिए राधे राधे। तो यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ी परिक्रमा। चलिए गाइस चलते हैं राधे राधे के साथ, मन में बंसी वाले का नाम लेके। गाइस किसी श्रद्धालु ने अपने दिल से यहाँ पे भंडारा कराया कचौड़ी और खिचड़ी का। चलिए खाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये हैं बहुत टेस्टी कचौड़ियाँ जो श्रद्धालु जी उन्होंने कराई हैं यहाँ पर। बहुत पुण्य मिलता है गाइस, आप लोग भी करें। ठीक है चलिए गाइस खाते हैं। गाइस भंडारा खाने का आनंद ही अलग है। ये बिना लहसुन प्याज के बनता है ये कचौड़ी, ये आलू की सब्जी। खाते हैं बताते हैं। बेमिसाल, बहुत स्वाद है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं उद्धव बिहारी जी के कुंड में, आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के उद्धव बिहारी जी के कुंड में। चलिए गाइस राधे राधे महाराज जी।
राधे राधे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं राधा कुंड वाली गलियों में, तो आगे बस कुछ ही समय में आपको राधा कुंड देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें राधे राधे, और बताएं कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लाइक जरूर। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, और गाइस बोलें राधे राधे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं राधा कुंड की तरफ, करिए आप लोग राधा कुंड के दर्शन। कितना देख, कितनी अच्छी धूप आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा वातावरण है, देखिए गाइस। हम छोटी परिक्रमा के अभी अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, तो अभी हम आ चुके हैं कसुम सरोवर, जो मथुरा की फेमस स्थान है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो कसुम सरोवर, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर पीछे मेरे बैकग्राउंड बदक की भी आवाज़ आ रही है, सुंदर सुंदर वातावरण लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो बंसी वाली कृपा बनी रहे आप लोगों पर, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमें प्यार देते रहें। चलो आपको दिखाते हैं आगे की यात्रा। बहुत सुंदर दुकानें देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी, कहाँ गए हम लोग, मानसी गंगा, यहाँ का मुख्य मंदिर है मथुरा का, गिराजी महाराज का मुख्य मंदिर है, वहाँ पर आ चुके हैं। जय हो, बहुत मजा आ रहा है, चलते हैं आपको कराते हैं मानसी गंगा के दर्शन और यहाँ पे मुख्य मंदिर के दर्शन। आ चुके हैं यहाँ पे मुख्य मंदिर के अंदर की तरफ, आपको बताते हैं अंदर से दर्शन, बने रहिए मेरे साथ। ये मुख्य मंदिर, चलिए गाइस। ये है यहाँ पर है मानसी गंगा, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि फाउंटेन भी चल रहा है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, बहुत से लोग काफी लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पूरी मन से प्रकट हुई हुई गंगा है, ये कहते हैं मानसी गंगा जो भगवान ने मन से प्रकट की थी, इसी का नाम मानसी गंगा पड़ा है। बहुत सुंदर स्थान, वहाँ देखो पूरा चल रहा है, फाउंटेन भी चल रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। ठीक है, चलते हैं मंदिर की बाहर की तरफ। जैसे ही आप मानसी गंगा के बाहर निकलेंगे, मुखरबिंद से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रसाद के स्टॉल दिख जाएंगे, दुकानें दिख जाएंगी, यहाँ पर बहुत सारे प्रसाद मिलता है। देखो यहाँ पर यहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध स्वाद में, तो क्या कहना यहाँ का बहुत। अभी आप आएँ तो यहाँ के पेड़े जरूर टेस्ट करें, अब आपको भी टेस्ट करके बताएंगे यहाँ के पेड़े कैसे हैं। भगवानों की पोशाक मिलती है, सज सज्जा के सामान मिलते हैं, बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं, और बहुत सुंदर सिंदूर मिलता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर वातावरण। तो हमारी परिक्रमा बस कुछ ही 5 मिनट में पूरी होने वाली है, बस 100 मीटर बचा हुआ है। जल्दी जल्दी अगर जितने कमेंट ना किया हो वो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी राधे राधे लिख दें, और वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ।
आपकी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक जरूर करें। चलते हैं भवानी पैर राधे राधे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पेड़ा खाने के लिए। यहाँ पर है पहलवान जी पेड़े वाले, ये हैं पहलवान जी पेड़े वाले। अभी हम पेड़े खा के देखते हैं, यहाँ फेमस पेड़े वाले की दुकान है। यहाँ पर फेमस चेक करा दीजिए पहले। तो गाइस अभी पेड़ा खा के देखते हैं कैसा है। राधे पेड़ा तो बहुत बढ़िया है। कैमरा मैन आप भी खा के देख लीजिए। गाइस पेड़ा तो बहुत बढ़िया है। पेड़ा बहुत बढ़िया। हम परिक्रमा लगा रहे थे तो हमारे प्रिय मित्र मिले हैं। लग भाई कविन भाई बहुत अच्छा लगा। हम लोग मित्र मिले, वहाँ भी मथुरा में मिल चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दादी भी साथ में। राधे राधे। परिक्रमा पूरी हो चुकी थी, आपने जैसे देख ही लिया है, पूरा फल प्राप्त हो चुका है हम लोगों को और आप लोगों को भी। अभी हम आ चुके हैं श्री जी वैष्णव भोजनालय। अभी खाना दाल रोटी बढ़िया मस्त पेट भर चुका है। हम इन लोगों ने परिक्रमा लगा ली, हम लोगों ने परिक्रमा लगा ली। ये सब माई अभी फोन में व्यस्त हैं। अभी गाइस चलते हैं रूम की तरफ, बहुत थक गए हैं। देखते हैं कैसा है, शाम के बज चुके हैं 4। चलते हैं सीधे रूम की तरफ। अभी हम लोग आ चुके हैं मथुरा के बस स्टैंड। बस स्टैंड में आने के बाद दूर कितना सुंदर बनाया है बस स्टैंड। यहाँ पर बहुत सुंदर पार्किंग है, बहुत सुंदर बस, पूरी इलेक्ट्रिक बस चलती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बस। सीधे हमने भी ऑनलाइन होटल बुक कर दिया था, सेवा सदन होटल, तो वहाँ जा रहे हैं, वहीं रुकेंगे आराम से और रेस्ट करेंगे। कल जाना है हम लोगों को सीधा वृंदावन परिक्रमा के लिए, मतलब पूरी वृंदावन का आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, पूरा वृंदावन दिखाएंगे, कैसा क्या कैसा व्यवस्था है वहाँ पर, हर चीज़ दिखाएंगे आपको वहाँ की कैसा क्या है। तो गाइस कुछ इस तरीके से है रूम, देख पा रहे हूँ या ये है नीट एंड क्लीन, बढ़िया। ये वॉशरूम, ये पूरा बेड, अच्छी कॉटन वगैरह लगे हुए हैं। ये सोफा, ये हमारा लगेज पड़ा हुआ है। ये बढ़िया है रूम गाइस, यहाँ पर सोते हैं। गाइस रूम में आने के बाद थोड़ा बढ़िया खाना पीना खा लिया है, यहीं पास में था तो खा लिया है। बहुत थक गए हैं गाइस, तो सो रहे हैं। आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन जरूर दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो गाइस बहुत थक गए हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं आपको जितिन जैक्सन, जय हिंद जय भारत।